आज का रेस्क्यू कॉल हमारे ग्राम वहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर सिंगारपुर ग्राम में एक सर्प देखा गया, जिसकी जानकारी मुझे, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद भैया ने फोन पर दी। हम देखते हैं यहाँ कौन सा सांप है, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सांप देख चुका है, हम देख सकते हैं कौन सा है यार, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमें यहाँ एक कैट स्नेक मिला है जो कि अर्ध विषैला सांप होता है। मैं इसे सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकालता हूँ, आप वीडियो पर बने रहें और इसकी जानकारी और देता हूँ। कहाँ जा रहा देखो भैया, ये नीचे इधर कोई जा रहा है। हाँ ये है, ये कोई दिक्कत नहीं भैया। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कैट स्नेक मुझे यहाँ मिला है, ये अर्ध विषैला सांप होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत प्यारा सांप होता है कैट स्नेक, ये अर्ध विषैला सांप होता है। ये पेड़ झाड़ियों में रहना पसंद करता है और चिड़िया और उसके अंडों को खाना ही पसंद करता है। ऐसा सांप बहुत, इसकी मतलब प्रजाति बहुत कम बची है। हाँ ऐसा सांप देखने को बहुत कम मिलता है, आप देख सकते हैं। इसी को फॉरेस्टन कैट स्नेक भी बोलते हैं। अब यहाँ अपने हिंदी में इसको क्या नाम से जानते हैं पता नहीं, दादा आप जानते हैं? यदि कोई भी सांप काटता है तो सीधे सरकारी हॉस्पिटल ना जाएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना जाएं, ठीक है? और सांप को मारे भी ना, क्योंकि हर सांप जहरीला या जानलेवा नहीं होता। इसकी जानकारी नहीं तो आप फॉरेस्ट विभाग को दे सकते हैं, या आसपास में जो सांप पकड़ता है उसको बुला सकते हैं, यदि कभी किसी के घर में सांप निकलता है या आसपास से, और सांप को मारे भी ना या किसी जीव जंतु को भी, ठीक है दादा? आप देख सकते हैं। इसका रेस्क्यू मैंने आज पहली बार किया है दोस्तों, देखने मिले कहीं देखने मिले। इसकी प्रजाति दादा बहुत कम बची है, बहुत कम देखने को मिलती है, अपने यहाँ है पर अपने क्षेत्र में। जहरीला नहीं होता, बिना अर्ध विषैला सांप है, आधा जहरीला है। ये मतलब जो पक्षी रहते हैं ना उनको ये हानि पहुंचा सकता है, यदि ये काटता है ना उनको तो वो मरते नहीं है, सिर्फ बेहोश हो जाते हैं। पक्षी बेहोश करने के लिए इनके पास जहर रहता है, पर इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है, पर छोटे बच्चों को खतरा है, जैसे 5 साल का या 6 साल का, तो उनकी मौत हो सकती है इसके काटने से। आप लोग अच्छा काम किए कि हमको बुला लिया और इस बेजवान जीव की जान भी बच गई। आवाज कर रहा है, देखो कर रहा है जैसा।
आ रही आवाज? बहुत मतलब बहुत कम है, ये पेड़ों में रहता है बस। हाँ पेड़ झाड़ी में पक्षी पक्षी को खाने के लिए चढ़ता है ये। पहली बार किया हुआ है इसके रेस्क्यू आज। दोस्तों आज मैंने अपने ग्राम महुआ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर सिंगारपुर ग्राम में रामप्रसाद के घर से एक कैट स्नेक सांप का रेस्क्यू किया है। मैंने इस सांप का पहली बार रेस्क्यू किया और इसे वन परिक्षेत्र में लेकर आ गया हूँ जहाँ ये सुरक्षित रहेगा और मैं इसे यहाँ रिलीज कर रहा हूँ। ये अर्ध विषैला सांप होता है और ये पेड़ों में रहना पसंद करता है और इस सांप की प्रजाति बहुत कम देखने को मिलती है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस सांप को रेस्क्यू करें और देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं इस सांप। ये बहुत ही प्यारा सांप होता है और बहुत शांत स्वभाव का है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसी को कैट स्नेक बोलते हैं। ये दोस्तों कैट स्नेक सांप है। ये अर्धविषैला सांप होता है, इससे डरने की बात नहीं है दोस्तों और ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सांप कैट स्नेक। अब मैं इसे यहाँ सुरक्षित रिलीज कर रहा हूँ और ये जिससे आगे का जीवन यहाँ जी सकेगा। चलो दोस्तों मैं इसे पेड़ी में रिलीज कर रहा हूँ। क्या है, ये पेड़ी में रहने वाला सांप है। आप देख सकते हैं ये खुद ग्रिप बनाकर चढ़ता है पेड़ पे। बहुत प्यारा चल अच्छा चढ़ गया, एक नंबर लग रहा।